लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सान्या जैन आपके साथ। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से जहरीला खाना खाने का मामला सामने आया है। जहरीला खाना खाने के बाद एक परिवार के 7 लोगों की हालत बिगड़ गई है। पीलीभीत की कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के गांव सबलपुर में जहरीला खाना खाने से एक ही परिवार के 7 लोगों की हालत बिगड़ गई। आनंद फानन में बेहोशी की हालत में सभी को उपचार के लिए पूरनपुर CSC में भर्ती कराया गया है। दरअसल पीड़ित रमेश की पत्नी सुधामा देवी ने छप्पर पोष घर में खाना बनाकर रखा था। खाने में छिपकली गिरने के बाद जब परिवार ने खाना बनाने के बाद पूरे परिवार रमेश चंद, सुदामा देवी, पुत्र अरुण कुमार, विशाल, पवन और पुत्री मीन ने एक साथ बैठकर खाना खाया था। खाना खाने के कुछ समय बाद सभी को अचानक उल्टियां होने लगी। जब पड़ोसियों को सूचना मिली तो उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी का इलाज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। सुदामा देवी, क्या हुआ आज? सुदामा देवी, सब्जी बन रही और सब्जी में पता ना किस हिसाब से गिरी छपकली, अब वो बिंजा नहीं खाई गया सब बच्चा अपने आप। फिर का जब पंटे उंटे होने लगे तो पता ना। किस जगह आई है, कौन से अस्पताल में है? पूरनपुर। कौन सा अस्पताल है? सरकारी अस्पताल। उसमें एक महिला है और 4 बच्चे हैं। तो बता रहे हैं कि घर में मुर्गा बना था, उसमें जो छपकली गिर गई, ये लोग यहाँ पर आए हुए, उसमें से एक बच्चे को कुछ मछली मालूम पड़ रही थी घर पर, और लेकिन इस समय अभी कोई दिक्कत नहीं है किसी को, और 2 घंटे के लिए उनको अभी बैठाया हुआ है, 2-3 घंटे के लिए अस्पताल में। बाई चांस कुछ दिक्कत होती है तो फिर उसका इलाज किया जा सके। हालांकि उनकी पल्स और BP वगैरह सब नॉर्मल है, ऐसी कोई उम्मीद नहीं लग रही कि कोई किसी तरह से कोई दिक्कत होगी किसी को। सबको खाना एक ही परिवार के कितने लोगों ने खाया? एक ही परिवार के 7 लोगों ने, 2 पुरुष थे, 1 महिला और 4 बच्चे थे। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।